नंबर नंबर क्वेश्चन इज़ द वैल्यू ऑफ़ के फोर टू वन माइनस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऐसे भी ले सकते हो बिकॉज एफ एक्स इज कंटिन्यूस देर फोर वी कैन से दैट लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो

अपॉन एट एक्स स्क्ट एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जीरो के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है K. जब x 0 के इक्वल तो फंक्शन की वैल्यू क्या है K. और हमें इस K की वैल्यू फाइंड करनी है यहां तक क्लियर हो गया ठीक है अब देखो कैन कैन बी रिटर्न लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो वन माइनस कॉस फोर एक्स कैन बी रिटर्न टू इंटू टू एक्स अपोन में क्या हो जाएगा एट एक्स स्क्न में क्या हो जाएगा एक्स स्क्ट माइनस कॉस टू थीटा दिस इज वन माइनस कॉस टू थीटा अब ये किसके इक्वल होता है आप आइडेंटिटी यूज करोगे नो दैट

क्या हो जाएगा टू साइन थीटा इक्वल टू वन माइनस इट कैन बी रिटर्न एक्स अप्रोचेस टू जीरो लिमिट अप्रोचेस टू जीरो आ जाएगा टू एक्स आ जाएगा अपॉन में क्या हो जाएगा एट एक्स स्क् और इक्वल टू में क्या हो जाएगा K. और इक्वल टू में क्या हो जाएगा के हो जाएगा यहां तक क्लियर हो गया ठीक है नाउ टू वन जॉ टू टू फोर जो एट इट कैन बी रिटर्न साइन टू एक्स साइन टू एक्स और फोर को भी आप क्या ले सकते हो टू एक्स का square. तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ ये हो जाएगा साइन स्क्र टू एक्स हो जाएगा फोर एक्स जाएगा के इक्वल टू क्या हो जाएगा के नाउ एज एक्स अप्रोचेज टू जीरो विच इंप्लाइज अगर एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो टू एक्स भी किसको अप्रोच करेगा जीरो को इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इट इंप्लाइज लिमिट टू एक्स अप्रोचेज टू जीरो क्या लिखोगे क्या लिख सकते हैं लिमिट टू एक्स अप्रोचेज टू जीरो क्या हो जाएगा साइन टू एक्स अपॉन टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू के

That इज ऑप्शन सी पूरी एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा जहां तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा सो बाय टेक केयर एंड अ ग्रेट